गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और अभी 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के। मैं लिखू टोस्ट एंड चाय। मम्मी बैठी हूँ और जीजू आए हुए हैं। जीजू हाय। और आज डे है, आज जो भी हो डे याद नहीं है, आज है छठ पूजा का नहाए खाए। तो आज से ना ये जो छठ पूजा का 3-4 दिनों का जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। और फिर खाने में क्या होता है ना, लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। मम्मी फास्ट रहेंगी, आज नहीं रहेंगी, कल से वो फास्ट रहेंगी। आज नहाए खाए में वो जो भी नहा के और फिर खाना होता है वो हो रहेगा। और अभी मैं बाहर जाऊँगी, फिर परी को दिखाती हूँ। परी जब से उठती है तब से मॉर्निंग में झूला पे ही है। अभी जा रही हूँ फिर स्पर्श से बात करने के लिए। प्रिंसू कितनी चलाकू है, इधर उधर देखने लगती है ना, बोलो हेलो, बोलो हाय। ये प्रिंसू और ये प्रिंसू के भैया हैं, मतलब प्रिंसू के बड़े पापा के लड़का। देखिए कैसे करते हैं बाबू। बाबू हेलो कर दो। तो अभी जस्ट मैं इनसे बात करी और स्पर्श से बात करी। स्पर्श अभी नाश्ता कर रहा था। चने हमारे घर में आपको पता है कि ससुराल में चने वगैरह भुने जाते हैं, तो मेरी सासू माँ ने उसको भून के दिया था, तो वो खा रहा था अभी। और मतलब हो गया 15-20 मिनट मैंने बात करी है। और उसके बाद जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ आज बस वही ना छठ पूजा की तैयारी होने वाली है, तो उसमें हम लगने वाले हैं। और लास्ट टाइम भी आप लोगों को पता होगा कि मैं लास्ट टाइम भी यहीं पे रही थी छठ पूजा में, और इस टाइम भी यहीं पे। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग करेंगे एंजॉय छठ पूजा में, और आप लोग के साथ में अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पे किचन में हमारी मेड आ गई हैं, तो वो अभी बर्तन वॉश कर रही हैं। और ये जो अंकल हैं ये हमारे घर के कुक हैं, तो यही खाना बनाते हैं। अगर एक या दो आदमी कोई बढ़ जाता है तो ये हमारे घर में हमेशा यही खाना बनाते हैं। और वैसे तो मम्मी भी कभी कभी बना लेती है, लेकिन अभी तो कोई हमारे घर में गेस्ट नहीं आए हुए हैं। आए थे फिर चले गए थे हल्दी के बाद। तो यहाँ पर परी अभी खा रही है मिल्क और बिस्किट, और खाना की भी अभी तैयारी हो रही है, खाना भी बन रहा है। और मिल्क में ना ऐसे डिप करके बिस्किट को बच्चे तो खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो यहाँ पे परी का मैंने थोड़ा सा शूट किया। इसका परी का नाम सानवी भी है, लेकिन मैं कभी परी भी बोलती हूँ, सानवी भी बोलती हूँ। उसके बाद फिर स्पर्श से मैंने बातें करी थी, काफ़ी देर तक बातें कर रही थी और इनसे भी बातें की। और उसके बाद मैं चली गई फिर से बाहर बैठने के लिए थोड़ी सी धूप में, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, फीवर सा आ गया मेरे को, लेकिन क्या करूँ, शादी है। इसके बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं जाएगा। यहाँ पे मम्मी अभी दातुन कर रही हैं, क्योंकि आज उनका नहाए खाया है तो काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते रहने में। और उसके बाद हमें आज शॉपिंग पे भी जाना है, जो थोड़ा सा बच गया है शॉपिंग वो सब हम करेंगे। और यहाँ पे मैं बाहर अभी नहा ली हूँ, और मेरा भाई, छोटा भाई बैठा हुआ है मोहित, और मैं भी यहाँ पर हूँ। तो दोनों हम झूला झूल रहे थे, मेरे हेयर भी सूख जाएंगे और साथ ही साथ हम झूला भी झूल लेंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए। और मम्मी से यहाँ पे कोई ना कोई आ ही जा रहा था, और पता है ब्लॉग भी मैं अच्छे से नहीं बना रही थी, कभी बना रही हूँ कभी नहीं बना रही हूँ ऐसे। और अभी अभी फिर भाई, छोटा भाई एकदम बिजी है, जब से आई हूँ ना मेरे को भी लेने गया, दीदी को भी लेने गया, फिर सारा काम उसी के ऊपर आया है। ये अभी ब्रीफ केस खरीद के आया है दुल्हन के लिए। वैसे शगुन वाला जो ब्रीफ केस अलग था, और ये शादी के लिए आया हुआ है, तो वो वाला मैंने वो एक्चुअली क्या है ना, वीडियो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी शगुन वाला। तो ये वीडियो कॉलिंग पे हमने पसंद किया था। वैसे तो पहले था कि ऐसे ट्रॉली वाला नहीं लेना है, लेकिन ऐसे वो यूज़ नहीं होता है, ये तो यूज़ भी हो जाता है। तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, शाइन भी अच्छा था। पहले तो इसे मीडियम साइज़ पसंद आया था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं बड़ा सही है, क्योंकि फिर सारा चीज़ एक ही में आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और अभी मैं आपको दिखाई जो थोड़ी सी शॉपिंग थी वो दिखाई। उसके बाद फिर अभी हमें जाना है मार्केट, मम्मी और मैं, हम दोनों जाएंगे मार्केट। दोपहर का टाइम हो गया, आई थिंक ना 1:30 बज रहे हैं, और हमारा तो था मॉर्निंग टाइम में ही निकल जाएंगे, लेकिन फिर टाइम आज नहा खाए। तो आज से ये वाला जो ब्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसके पहले का जो ब्लॉग था हल्दी वाला, इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं बताई ना, फिर छठ पूजा का जो ब्लॉग है वो लेट हो जाएगा। ऐसे ही मेरा दिवाली का भी ब्लॉग था, आज मेरा दिवाली का ब्लॉग गया है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का, और ब्लॉग मेरे पास ज़्यादा हो गए। कितना भी कोशिश कर रही हूँ एडिटिंग कर लूँ, नहीं हो पा रहा है। वैसे टाइम क्या होता है ना, इधर उधर करने में ही टाइम सारा गुजर रहा है, और दिन भी बहुत छोटा होता है, सो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। रात को नींद आने लगती है, पहले मैं सोची थी कि रात को एडिटिंग कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज ये वाला ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ। उसके बाद छठ पूजा का 3-4 ब्लॉग बनेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप आप लोग इन्जॉय करोगे।
तो अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए, शॉपिंग करने जाऊंगी। मार्केट का शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे रश है छठ पूजा के लिए, तो कैमरा निकालना मुश्किल रहेगा, ये चीज हो जाएगा। तो शॉपिंग में आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, अगर हुआ तो मैं थोड़ा सा क्लिप वगैरह बना लूंगी, नहीं तो नहीं। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी, निकलने वाली हूँ अभी, मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और हमें फिर भी 2 बज गए थे, और इस तरीके से मैंने ये वाली कुर्ती डाली है। और इसके बाद शायद मेरा ब्लॉग ना जाए कल से 2 या 3 दिन, बस 2 दिन हो सकता है कि ना जाए, 2 या 3 दिन, उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। तो यहाँ पे मैं मास्क मेरा रह गया था, फिर मैंने भाई से मांगा यहाँ से ऊपर से कि मास्क मेरा गिरा दो, तो मैंने अभी फ़िलहाल मास्क लगा लिया है और मम्मी और मैं निकलने वाले हैं। और पापा हैं नहीं, पापा कहीं गए हुए हैं, रात में आएंगे। यहाँ पे मैं शॉपिंग से आ गए थे शाम के, आई थिंक ना 6-7 के आसपास कुछ हो रहा था, 6 या 7 के आसपास। गोलगप्पे भाई ने बोला गोलगप्पे लेते आना, काफ़ी टाइम हो चुका था। और मेरे मायके में ये देखिए प्रिंशु है, यहाँ पर खेल रहा था, हम गोलगप्पे खा रहे थे लेकिन उसको नहीं खिला सकते हैं क्योंकि वो तीखा है बहुत, तो काफ़ी टाइम हो चुके थे खाए हुए। और मेरी मायके का गोलगप्पे और समोसा चाट बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है मुझे, मतलब मैं जब भी आती हूँ तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि मैं समोसा चाट ना खाऊं, क्योंकि वैसा समोसा चाट मुझे कभी मिलता भी नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। मैंने बहुत जगह खाया है लेकिन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो छोले हैं हमारे साइड में ना, गोलगप्पे में छोले डाल के तब खाते हैं, जैसे आलू और चने रहते हैं ना, तो ये छोले का टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इमली पानी वगैरह सब कुछ मिक्स होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम कितने का बहुत ज़्यादा हम लेके आए थे, ऐसे पॉली बैग में उन्होंने पैक करके दिया था, और जहाँ से हम लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो लोग सिवान से अगर मुझे देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि कहाँ पे समोसे चाट बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे सारे गोलगप्पे छोले वगैरह निकाले मम्मी के, हम मम्मी के लिए रख दिया है। और यहाँ हम सेल्फी ले रहे थे क्योंकि हमारी शुरू से आदत है, जब भी हम कुछ खाए कुछ भी करें हमें सेल्फी या फिर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। मेरा तो बहुत पहले से आदत है, जब मैं छोटी सी तभी से मैं ना ऐसे कैमरे से सेल्फी लिया करती थी। और यहाँ पर बस हम लोग खा रहे हैं, मेरी दी साइड में बैठी हुई हैं और वो भी अपनी वीडियो बना रही थी, क्योंकि उनका भी चैनल है लेकिन मैंने भी कभी ऐसे अपने ब्लॉग में कभी भी मैंने बताया नहीं है, तो वो अपना बना रही थी। और हमारे घर में अभी खाना भी बन रहा है, अंकल कुक अंकल जो है वो बना रहे हैं किचन में। और उसके बाद मम्मी अभी गाना गा रही थी, उसके बाद वहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी और आंटी लोग आए हुए। वैसे क्या है ना, छठ पूजा है और कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों को हम लोग नहीं बुलाते हैं गाना गाने के लिए शाम के टाइम, कुछ लोग ही बुलाते हैं और फिर उसी में जो भी होता है मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाहर, मैं थोड़ा सा बाहर से दिखा देती हूँ अपना घर। बाहर थी और पापा अभी आ चुके हैं, और सुबह का पापा निकले हुए थे, अभी अभी आए हैं, रात हो चुकी है और मैं यहाँ पे बाहर ही बैठी हुई थी, तो मैंने यहाँ का क्लिप बना लिया और उसके बाद फिर मैं कैमरे के सामने आप लोगों से मिलती हूँ। जस्ट मैं अभी हूँ बाहर, मैं अभी शॉपिंग करके आई हूँ, गोलगप्पे खाई हूँ और ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मैं मॉर्निंग में सोची थी कि मैं ब्लॉग अच्छे से कंटिन्यू आज करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अगर इसके आगे मैं बनाई ना तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कुछ छोटू सा एक मतलब एक क्लिप जो होता है ना वो हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो रात के अंधेरे में मैं बाहर बैठी हुई हूँ और बस मैं बाहर का क्लिप बनाने गई थी। पापा आएंगे फिर पापा के लिए चाय वगैरह बन रहा है, आंटी लोग आए हैं ना गाना गाने के लिए, शाम का जो गाना होता है वो गाने के लिए आए हैं, तो वो लोग बैठ के रूम में गाना गा रहे हैं और अभी चाय बन रहा है उन लोगों के लिए, नाश्ता निकालना है। इतनी ज़्यादा थक, इतनी मार्केट में भीड़ ना, इतनी भीड़ लगी नहीं थी, कोरोना एक हम ही स्पेशल दिख रहा था, जो मास्क मम्मी लगाई थी और मैं लगाई थी, बाकी कोई मास्क वाला नहीं दिख रहा था यहाँ पे। Oh no।
अभी आई हूँ मम्मी और मैं। इसमें क्या राइस बन रहा है? राइस है, चावल है। अच्छा ठीक। ये पापा का चाय लीजिए। हाँ आपका चाय, बिस्किट भी। ये क्या है? अच्छा तो यहाँ पे पापा लेके आए थे कुछ सब्जी, सब्जी ख़त्म हो गई थी तो बस यही मैं देख रही थी। और यहाँ पे ये अंकल मम्मी के लिए चाय बना के रख के गए हैं, तो वही मैं अब मम्मी को वहाँ से बुला के चाय दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ऑलमोस्ट सब लोग चाय पीते हैं, मैं ही नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियों में देख रही थी क्या क्या आया है, उसको मुझे रखना है क्योंकि आलू भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे आए हैं साग, पता नहीं क्या चीज़ का साग है, आई थिंक पालक और सरसों ही है कुछ। और आलू है, बोरो है, और ये कीवी फल है मम्मी के लिए, और क्योंकि उनको फिर फास्ट रहना है तो ये वो ना मम्मी की तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से, वो इंजेक्शन लेके उनके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इंजेक्शन लेके वो ठीक हो रही हैं शादी तक। और यहाँ पे ये मैं गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ज्वेलरी शॉप पे गई थी, तो वहाँ पे वो भैया मुझे पहचानते हैं पहले से ही, तो जब गई तो मम्मी को भी वहीं से, एक्चुअली हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, तो वहाँ से ये स्वीट्स जो दिवाली का था उनने भैया ने मुझे दिया कि ये आप लेते जाओ, और एक मम्मी के लिए दिया कि आप लोग ले जाके, तो वही मैं खोल के देख रही थी कि इसमें क्या है। और दिवाली के आई थिंक ना दो तीन दिन तो हो ही गए थे, आज बस लेके आई थी मैं, तो इस तरीके से इसकी पैकिंग थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, काफ़ी क्यूट सी लग रही थी मुझे।
बस यही तक मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया। इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं अब हो सकता है कि कल मैं ब्लॉग ना डालूँ, उसके बाद 2-3 दिन तक कंटिन्यू मैं ब्लॉग ना डालूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन पहली बार आते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।